नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि श्रावण माह चल रहा है और इस दौरान भगवान शंकर की पूजा करना अति फलदायी माना गया है। इस मास में शिव भक्त उनकी ही भक्ति में मग्न मिलते हैं। हर कोई महादेव को प्रसन्न करने की होड़ में लगा हुआ है, जिस वजह से शिव मंदिरों में हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है और उस दौरान हर किसी के मुख पर भोलेनाथ के जयकारे ही सुनाई देते हैं। कहते हैं जो भी सावन में पूरी श्रद्धा से भगवान शंकर की पूजा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे हमारे ऊपर उसका उल्टा असर हो सकता है। ये महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, साथ ही इस महीने को भक्ति का महीना भी माना जाता है। इस कारण शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिसे इस महीने में करने की मनाही होती है। सावन के मास में जो इन कामों को करता है उसकी लाइफ में चल रही छोटी परेशानियां भी विकराल रूप ले लेती है और घर में दस्तक देने वाली खुशियां भी अपना रास्ता मोड़ लेती हैं। तो दोस्तों, आपसे अनजाने में भी कोई गलती ना हो इसके लिए हम अपनी वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सावन में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। उसी तरह शास्त्रों के अनुसार सावन मास में बैंगन खाना भी वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण ये है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध माना गया है। यही वजह है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी जुड़ा हुआ है, जिसके मुताबिक इस समय में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सावन में बैंगन खाने की मनाही होती है। दोस्तों, सावन के महीनों में कभी भी मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए, जैसे कि किसी को नुकसान पहुंचाना, स्त्रियों के बारे में मन में बुरे विचार लाना, अधार्मिक कार्य करना, ऐसी गलत बातें सोचना व करना ग्रंथों में महापाप बताया गया है। दोस्तों, इस माह में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों, अपने गुरु, बड़े भाई बहन और जीवन साथी, साथ ही माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं, इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। शिव जी ऐसे लोगों से कभी भी प्रसन्न नहीं होते जो इन लोगों का अपमान करते हैं। सावन के महीने में सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, इससे दुर्भाग्य बढ़ता है। इस महीने में सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाकर शिव पूजा करनी चाहिए। इस माह में मांसाहारी यानी नॉनवेज खाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। नॉनवेज खाना बनाने के लिए जीव हत्या की जाती है और जीव हत्या हमारे शास्त्रों में पाप है, इसलिए इस महीने में मांसाहार बिल्कुल भी ना खाएं। जो लोग इस माह में नॉनवेज खाते हैं वो पाप के भागीदारी होते हैं। अगला काम पति पत्नी के लिए है, जिसे श्रावण मास में कभी नहीं करना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है और इन्हीं झगड़ों के कारण घर में क्लेश की स्थिति बनने लगती है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। और आप सब ये बात तो जरूर ही जानते होंगे कि जिस घर में कलह रहता है उस घर में कभी भी भगवान निवास नहीं करते। ऐसे में शिव पार्वती रुष्ट हो जाते हैं और इंसान को कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि इस माह में क्रोध ना करें। गुस्से से हमेशा मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति भंग हो जाती है। क्रोध में इंसान हमेशा सही गलत की पहचान करना भूल जाता है और कुछ न कुछ गलत कर बैठता है। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि जो इंसान गुस्से पर काबू नहीं कर सकता वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो इन कामों से दूर रहना ही बेहतर रहता है। अब आपको सावन के महीने के दौरान किए जाने वाले एक और काम के बारे में बताते हैं जो कुंवारी कन्याओं को नहीं करना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग छूने की मनाही होती है। कुछ प्रचलित मान्यताओं के अनुसार लिंगम योनि, जो देवी शक्ति का प्रतीक है और महिलाओं की रचनात्मक ऊर्जा है, का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि कहा जाता है कि शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं वर्णित है, ये सिर्फ एक मान्यता के तौर पर है। शिव पुराण के अनुसार ये एक ज्योत का प्रतीक है। सामाजिक धारणाओं की माने तो शिवलिंग की पूजा केवल पुरुषों के द्वारा ही संपन्न होनी चाहिए, ना कि किसी नारी के द्वारा। ज्यादातर देखा जाता है कि महिलाओं को शिवलिंग की पूजा से ही दूर रखा जाता है। खास तौर पर अविवाहित स्त्री का तो शिवलिंग की पूजा करना ही वर्जित माना जाता है।
इसके पीछे एक किंवदंति ये बताई जाती है कि भगवान शिव हमेशा बेहद गंभीर तपस्या में लीन रहते हैं। किसी स्त्री के कारण उनकी तपस्या भंग ना हो, इसका ध्यान रखते हुए ये मान्यता प्रचलित हुई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमेशा से ही जब भी भगवान शिव की पूजा की जाती है तो विधि विधान का बहुत ख्याल रखा जाता है। बल्कि कहा जाता है कि केवल मनुष्य जात ही नहीं बल्कि देवी व देवता अप्सराएं भी भगवान शिव की पूजा करते समय बेहद सावधानी बरतते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल कुंडली टीवी से।